गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज बच्चों के लिए लंच में आलू और गोभी की ड्राई भुजिया बना रही हूँ। इसमें बस हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और ये बहुत जल्दी भी बनता है। और मैं आज लंच में वही भुजिया और रोटी बना रही हूँ। ये है मेरा स्नेक प्लांट। इसमें मैं 2 दिनों में एक बार पानी देती हूँ और इसको 2 दिनों में एक बार धूप भी दिखाना पड़ता है, 2-3 दिन में या वीक में एक बार दिखा सकते हैं। ये मेरा जीजी प्लांट है। इसको मैंने घर के अंदर, ये सारे इंडोर प्लांट है तो मैंने घर के अंदर रखे हुए, तो इसे बीच बीच में 2 दिनों में धूप भी दिखाती हूँ और थोड़ा सा पानी भी देती रहती हूँ। ये है मेरा बैम्बू प्लांट, जिसको लकी प्लांट भी कहते हैं। इसको मैं बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। अगर इसका पानी चेंज करते रहे, क्लीन करते रहे और वो जो भी पत्ते जो भी सूख जाते हो अगर उसको निकाल दिया जाए तो ये काफ़ी दिनों तक रहता है, ये जो बैम्बू ट्री है। तो इसको मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदा था और इसको इसी तरह से अगर केयर किया जाए तो ये काफ़ी दिनों तक रहता है। इसी तरह मैं हमेशा पानी चेंज करती रहती हूँ इसका। जब भी इसका पानी कम हो जाता है या गंदा हो जाता है तो चेंज करती रहती हूँ और इसी तरह क्लीन करती रहती हूँ। अगर पौधे को ठीक से रखना है तो इसी तरह रखना पड़ता है, अगर बैम्बू को इस तरह से रखना है तो, इसीलिए मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ।
ये देखिए, ये है साड़ी के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। तो मैंने एक ये लक्ष्मी नगर मार्केट से ली थी। इसमें हैवी साड़ियाँ रखती हूँ मैं। और इसमें रखने से क्या होता है, साड़ी ख़राब नहीं होती। और इसको अच्छे से, जो भी साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ वो इसी में रखती हूँ मैं। बहुत जो कम यूज़ होता है इसमें रख के मैं अलग से इसको कबर्ड में रख देती हूँ। तो काफ़ी मतलब ख़राब नहीं होता है, साड़ी भी ख़राब नहीं होता है और एक जगह रखा भी रहता है अच्छे से।